In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Prem Granth. दोस्तों मूवी प्रेम ग्रंथ जो रिलीज हुई थी 24 मई 1996 को और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर है राजीव कपूर, इसके प्रोड्यूसर है रणधीर कपूर और इसके राइटर है जैनेन्द्र जैन। अब बात करते हैं कास्ट की। फिल्म के अंदर ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित, उसके अलावा अनुपम खेर, शम्मी कपूर, ओम पुरी, प्रेम चोपड़ा, गोविंद नामदियो, रीमा लागू और हिमानी शिव पुरी, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म की अगर मैं बेसिक स्टोरी की बात करूं तो फिल्म में दिखाते हैं कि ऋषि कपूर और माधुरी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच कोई माधुरी का रेप कर देता है। अब क्या ऐसे में ऋषि कपूर माधुरी का साथ देंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कलेक्शंस की। तो फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 7 करोड़ 75 लाख रुपए का, 7 करोड़ 75 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 12 करोड़ 59 लाख रुपीस का। रही बात ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया से बाहर 81 लाख रुपीस की कलेक्शन की थी और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 13 करोड़ 40 लाख रुपए का, 13 करोड़ 40 लाख रुपीस का। रही बात बजट, तो इसका बजट था 6 करोड़ का। अब 6 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप के, तो आपको बता दें कि फिल्म प्रेम ग्रंथ बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड एवरेज की। रही बात गानों की, तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 6 गाने थे। गानों को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की जोड़ी ने। कुछ गाने हिट साबित हुए थे और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।